Assalamualaikum dear students, this is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Hope you people are fine and doing well. Today we are going to discuss our next topics of class 9, Minto Marley reforms and Lucknow Pact. Minto Marley islahat aur Muahida Lucknow, jisko Misak e Lucknow bhi kaha jata. According to our new books of Pakistan Studies, both these topics are given in chapter number 2. Now students, because we are discussing these topics and our lectures are regarding the new book, in Urdu medium world here, this topic starts from page number 21. Before starting our lecture properly, I would like to request all of you, please subscribe the YouTube channel, and not only do subscribe it, but also like and share the videos as well, so that maximum students can be benefited from these online video lectures. One more thing which I would like to request all of you before starting our lecture, if please aap log pehle is video ke description box ko agar dekhen, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए नजर आएंगे. उन क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए एंड देन ड्यूरिंग लेक्चर साथ साथ फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी नोट डाउन करते जाइए. नाउ विल स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली. फर्स्टली विल डिस्कस मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स. मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 में नाफिज हुआ. बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार्ट में उसको डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा. मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909. फर्स्टली वी विल डिस्कस अ ब्रीफ एंड शॉर्ट बैकग्राउंड व्हाई दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड. There was a great political unrestlessness in subcontinent due to partition of Bengal. In our previous lecture, we have discussed partition of Bengal in detail. Because of that partition of Bengal, Hindus and Muslims were fed up of each other. दोनों कौमें एक दूसरे से काफ़ी हद तक बेजार हो चुकी. तकसीम बंगाल की वजह से मुल्क में बेचैनी फैली हुई. बिकॉज दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन दैट टाइम बेनिफिटेड मुस्लिम्स, क्योंकि उनकी ईस्ट बंगाल के अंदर मेजॉरिटी हो गई. ऑन द अदर हैंड हिंदूज वर टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट पार्टीशन एंड दे वर कॉन्टिन्यूली ट्राइंग एजिटेटिंग टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल. Because of this behavior of Hindus, Hindus and Muslims were completely far apart each other. दोनों कौमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी थी, एक दूसरे की मुखालफत में बहुत ज़्यादा आगे निकल गई. Considering the seriousness of situation in subcontinent on that time, the British Minister for India, Mr. Morley, and the Governor General, also known as the Viceroy, Lord Minto, proposed some reforms. हालात की नज़ाकत को भांपते हुए, हालात की सूरत हाल का एहसास करते हुए, उस वक़्त का जो बरतानवी वज़ीर हिंद था मिस्टर मार्ले और बर सगीर का गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड मिंटो, इन दोनों ने, मार्ले और लॉर्ड मिंटो, इन दोनों ने मिलकर कुछ इस्लाहात तजवीज़ की. दोज रिफॉर्म्स वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विद द नेम ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, कॉमनली नोन एज मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स. बरतानवी पार्लियामेंट ने लॉर्ड मिंटो और मार्ले की जो रिफॉर्म्स थी, जो इस्लाहात उन्होंने तजवीज़ की थी, उन इस्लाहात के बिल को पास कर लिया, जिसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का नाम दिया गया और आम जुबान में कॉमनली बरे सगीर के अंदर उनको
मिंटो मार्ले इस्लाहात के नाम से जाना जाता था। नाउ वील सी वट दीज रिफॉर्म्स एक्चुअली वर, ये इस्लाहात थी क्या। बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ वे में हमारी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज्ड, मरकजी और सूबाई कानून साज काउंसिलों के अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। ये कानून साज काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? वो इदारा जो कानून साजी करता है उसे कानून साज काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझ सकते हैं जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, उसी तरह से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। तो एक पॉइंट तो ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कर दिए गए, प्लस द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड एज वेल। 1909 की इन इस्लाहात में मुसलमानों का जो जुदागाना तरीके इंतखाब का मुतालबा था उसको मान लिया गया और बाकायदा तौर पर उसका निफाज। नेक्स्ट इज द रिएक्शन। मुस्लिम लीग वेलकम्ड द रिफॉर्म्स, मुस्लिम लीग ने इन इस्लाहात का खैर मकदम किया। व्हाई? बिकॉज द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज मेड बाय द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग जिन्होंने 1906 में शिमला वफद की सूरत में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। And in that meeting, the leaders of Muslim League demanded separate electorate for themselves, जिसको मिंटो मार्ले reforms में बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया था उस मुतालबे को। That's why Muslim League was very much happy, और Muslim League ने इन reforms को बहुत ज़्यादा welcome किया। Next is Lucknow Pact या मीसाके लखनऊ 1916 में मिसाके लखनऊ हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट जॉइंट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दैट वॉज हेल्ड इन 1916 इन लखनऊ, अ फेमस प्लेस इन इंडिया, वेयर एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द टू पार्टीज नोन एज लखनऊ पैक्ट। पहली दफा 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक मुश्तरका इजलास लखनऊ के अंदर हुआ। उस इजलास में दोनों पार्टियों दोनों जमातों में एक मुआहदा तय पाया जिसको मिसाके लखनऊ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट पैक्ट कांग्रेस एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन। कांग्रेस ने बाकायदा तौर पर मुसलमानों को एक अलहदा कौम तस्लीम कर लिया था। आल्दो जो हिंदू लीडर्स हैं ऑन दैट टाइम भी और अभी भी मॉडर्न डेज में भी वो हमेशा से यही कहते रहे कि कांग्रेस मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन नहीं मानती, बट प्रैक्टिकली इन लखनऊ पैक्ट कांग्रेस ने मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन एक्सेप्ट कर लिया था एंड they accepted the demand of separate electorates of Muslims. क्योंकि मुसलमानों का जो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा था वो कांग्रेस ने मान लिया। It means कि कांग्रेस ने accept कर लिया कि मुस्लिम्स minority हैं, वो separate group है, separate nation है। इसी वजह से जुदागाना इंतखाब या separate electorate का मुतालबा जो है उसको माना गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट या जुदागाना इंतखाब बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, ये होता क्या? अगर किसी भी जगह पर इंतखाबात में माइनॉरिटीज़ के लिए अकलियतों के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाएँ, मखसूस कर दी जाएँ कुछ न चीज़ें कि इन सीट्स के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के मेंबर इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लोग ही इन सीट्स के ऊपर कैंडिडेट्स को वोट कर सकते हैं, तो इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है या जुदागाना इंतखाब कहा जाता है।
मतलब कि मुसलमानों के लिए भी और बाकी माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व हो गई थी कि इनके ऊपर सिर्फ ये माइनॉरिटीज़ के मेंबर इलेक्शन में पार्ट लेंगे। कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया 1916 में, हालांकि इससे पहले बरतानवी हुकूमत ये मुतालबा तस्लीम कर चुकी थी 1909 की मिंटो मार्ले इस्लाहात के तहत ये नाफिस हो चुका हुआ था। आफ्टर दिस एग्रीमेंट कायदे आज़म वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस मुआहदे के बाद मिसाक लखनऊ के बाद फिर कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया और ये खिताब उनको दिया गया। That's it about both of these topics. I hope you people have understood the concepts and main points. Questions जो मैंने start में भी कहा था description box में given है, आप लोगों ने definitely note down किए होंगे और उनके answers भी साथ साथ आपने during lecture find करने की और note down करने की कोशिश की होगी। Best of luck for your studies. Thank you very much for your time. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos. Thank you very much once again.